सती सिलोचना जो महान साध्वी हुई है उसका पावन आख्यान राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। शायद आपको एक कथा प्रिय होगी। जिस समय कुंभकर्ण मारा गया रावण को बड़ा कष्ट होता है, सोचने लगा कि अब कोई ऐसा वीर नहीं जो युद्ध में जाए, मालूम नहीं क्या होना है, कुछ समझ न मेरी आता है, निश्चर दल घटता जाता है और विजय राम दल पाता है।
जिसके डर से तूफान अपना मार्ग बदल लेता है, समुद्र जिसके लिए स्वयं मार्ग बना देता है, और नदियां जिसके डर से सूख जाती है, और स्वर्ग लोग थर थर कांपने लगता है। उस खन्नाथ के सामने वो भालू और बानर वाले वनवासी भला कितने क्षण तक टिक सकते हैं पिताश्री? शाबाश मेघनाथ, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम जानते हैं कि वो वनवासी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। जाओ पुत्र, जाओ युद्ध स्थल पर जाने की तैयारी करो। प्रणाम पिताश्री। विजय भव, यशस्वी भव। विजय रथ पर सवार होकर शीघ्र लौटना स्वामी, मैं आपकी दासी अरमानों की सेज पर पलके बिछाए इंतजार करूंगी। दोस्तों, इतना कह करके मेघनाथ अस्त्र शस्त्र बांध करके घोड़ों वाले रथ पर सवार हुआ। आ गया रामा दल में ललकार आए, बानरों फेर जाओ। अब पता लगेगा तुम्हें मुझे ही घन्नाथ कहते हैं। दोस्तों, इतने जो वचन सुने हैं तो रामा दल के सारे बानर टूट पड़े, इधर राक्षस भी टूट पड़े। अंबर में रथ उड़े, समर में लड़े असुर बलधारी, छोड़े माया के बानर के क्रोध करके भारी। अरे क्रोध कर भारी, क्रोध कर भारी, क्रोध कर भारी, सुनो सरदारी नारद, छोड़े माया के बानर के क्रोध करके से मारे कि सूर कट कट के गिरने लगे, लेकिन रामा दल के बहादुर हिम्मत नहीं हार रहे। आदि मेघनाथ की सेना को काट डाला। और जानते हो बेटा, अरे लख के असुरन की हानि,
सेना को काट डाला तो मेघनाथ सोचने लगा कि अब मरना तो है ही, लेकिन अब हमें मनमानी कर लेनी है। और जानते हो दोस्तों, कुंभकर्ण की याद करके उसकी धमनियों को गरम गरम खून उबल पड़ा और क्या किया उसने, अरे सावन में झर लगे के जाने बाण दादा बरसाए रे, सावन में झर लगे के जाने बाण यार बरसाए रे, और रुपए बाण बिसियर बन के अरे रामा दल पे ठाए रे। बंदर भालू के तन में जहरी वो बाण समाए रे, और राम लखन सुग्रीव के नारद अंगद से निगमाए रे, दोस्तों। जिस समय घननाद ने बाण चलाए हैं तो राम लक्ष्मण सुग्रीव अंगद सब जमीन पर गिर पड़े। अरे की कत है सब कपीरे के पेश नाई ताई, बंदर भालू रे पेस नहीं भैया जाई, और रामा दल को यार रे मूर छाए सियाई, के सारे जवानों को बांध लिया। अब तो सन्नाटा खिंचने लगा कि गजब हो गया, क्या हुआ? आज बांध लिया सब कटक धरण दय पटक राम दल सारो, एक जाम बंत रह गओ रे के सबते भैया न्यारो। ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ बूढ़े जामवंत बच गए और सारी सेना बन गई नागफांस में। अरे के सबसे न्यारो है सबसे न्यारो यार मेरे न्यारो के सबसे न्यारो,
जमीन पर पटक दिया, अब मेघनाथ धर के किलकारा, अरे मची दूर दिखावे लड़ मेरे तू प्राण खोई तेरे जन मेरे मती, जामपन से कहने लगा घन्नाथ अरे बूढ़ा अब तू क्या करेगा, कछु सोच समझ ले मन में रे मर जाए गो वृद्धा मन मेरे कछु, कहने लगा ओरे बुड्ढा अब तू ज्यादा जोर ना दिखाए वृद्धावन में तेरी मौत हो जाएगी। जामबंद कहने लगा क्या बोला, मेरे परोक्ष में रे तूने मेरे परोक्ष में ओ पापी कैसा अंधेर मचाया है, कैसा अंधेर मचाया है, ओ नए शेर हो जा साबुधान जे पूरा नार आया है, जे पूरा नार आया है, और कहने लगे तू क्या मारेगा नीच, तुझ कोई अंपुर है जाना रह जाए तपन बाकी भैया फिर दबा राम से करबाना पापी दया राम से करबाना, शेर सावधान हो जा ये बूढ़ा नाहर आया तेरी जान लेने के लिए, अरे जब हमसे तपन बाकी रह जाए तो राम से दबा करवाना। इतने जो वचन सुने सुन जाम बंत के बैनरे करके भारी और अपनी गदा उठाई रे आसुर ने धर के चोटक एकदम सिला तो पत्थर तानी भैया गदा की खाली चोट देख के पापी रिच आयो, यारो गदा की खाली चोट देख के दुश्मन रिच आयो, भैया गदा की खाली चोट देख के पापी रिच आयो, मेरे पास
धोखा या दगा देख करके मेघनाथ की आंखों में खून आ गया। जामवंत में गदा का प्रहार किया था, लेकिन जामवंत बूढ़ा था ना, लेकिन दोस्तों खिलाड़ी बड़ा गजब का था, गदा को बचा लिया उसने, शिला सामने कर दी। फिर भी घननाथ कहने लगा कि हमने बूढ़ा जानकर गदा ताकत से नहीं मारी। जामवंत कहने लगा, ओरे कमीन की औलाद, तूने बार करने में कमी नहीं की, लेकिन गदा जब नहीं मार पाई तब ये बहाना कर लिया। गुस्से में आकर मेघनाथ कहने लगा, क्यों रो ज्वादा कर अभी तो पकड़ चीर मेहदारों, तेरे ऊपर भूत सवार मिटाई उतारू। भारी क्रोध रे असुर को हुई आओ, तन में बहुत रे गौ तुलसियाई। अरे मत भई खल बली रामा तो दल में मर दो ध्यान रे बिछर नहीं जाए। दोस्तों युद्ध बड़ा विलक्षण हो रहा है। नांग फांस में योद्धा रे फंस गए, नहीं अब पेशौरे मित्र मेरी जाए। अरे ध्यान गरुड़ को के रामा दल धर लो, गरुड़ यहां पहुंच आई। अरे नांग फांस के गरुड़ ने काटी, सबरे बिसियर है ये जवाए। अरे विकट लड़ाई है आज दंगल में, दैया चिल्ली है कहीं न जाए। इधर मेघनाथ जिस समय जामवंत पर टूटा, करके क्रोध के जामवंत ने पापी की टांग है पकड़ ली जाए। अरे उठ के जवान के खड़ो न हो पाओ, और इन सपने बैठाओ है घुमाए। मन को लंका में गिरो तो तुरंत जाए। आज लगी कचहरी है जान तो रावण की, वहां पे मेघरे नाग गिर जाए। नाग फांस में जो बंधे हुए थे सारे बंदर भालू हनुमान राम लक्ष्मण सुग्रीव, गरुड़ ने आकर के भक्षण कर लिया, सब छोड़ा दिया। इधर जामवंत ने जांग पकड़ के जिस समय मेघनाथ को फेंका, तो दोस्तों वो जाकर के रावण की सभा में गिरा। असंभव, असंभव, इंद्रजीत को कोई परास्त नहीं कर सकता, ये जरूर कोई षड्यंत्र है। दुश्मन ने किसी बहरूपीय को यहाँ पर भेजा है। ओ बनवासी राम, हम तेरी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। जब मेघनाथ को मूर्छा आ गई और मूर्छा जगी, तो उसने क्या देखा?
फिरो जब वीर उठो बलदाई जग सन्मुख ठाड़ो बापुरे के गौए बहुत लगाई। दोस्तों जब मेघनाथ खड़ा हुआ तो सामने रावण खड़ा है, अब तो मेघनाथ को इतनी लज्जा आई। सकुचाई गौ तो सकुचाई फिर यज्ञ करण की रसुरऊ ने के दिल में अति ठहराई, फिर यज्ञ करण की पापी ने के दिल में अति ठहराई। बेड़े रावण के सामने मेघनाथ को बहुत लज्जा आई, सोचने लगा राम से विजय पाने के लिए अब हमें यज्ञ करना चाहिए। और जब यज्ञ के बारे में उसने विचार बनाया तो दोस्तों ध्यान रखना जो विभीषण है वो समझ गया कि मेघनाथ यज्ञ के लिए जा रहा है। एकदम से विभीषण भागे और भाग करके राम के पास गए और कहने लगे प्रभु गजब हो गया। राम जी बोले क्या बात है भक्त? कहने लगे महाराज रण जीतन को यज्ञ करन को मेघनाथ धायो, कहने लगे रण जीतन को यज्ञ कर रहे मेघनाथ स्वामी पर पाई लड़े गो आए महासब वो माया बिकामी। कहने लगे महाराज अरे यज्ञ संपूर्ण कर ले गो और जीत सके नहीं कोई पट बड़ा सब कोई कर ले गो, पट बड़ा सब कोई कर ले गो सके नहीं कोई पट बड़ा दल को कर देगो। अरे आपसे सत्य कहूं बानी और करो यज्ञ विध्वंस हो तब रण में मन मानी। अरे बचन सुन रघुबर हर साए, रे बचन सुन रघुबर हर साए ओ अंगदाद हनुमान नील नल दोनों समझाए। यज्ञ में जाय बिघन डारो, रे यज्ञ में जाय बिघन डारो और लक्ष्मण से कह रहे जाय तुम दुश्मन को मारो। अरे विभीषण सेना भीषण सेना ले जाओ देवन को में तो कैसे बंद जाए बाकी छुड़वाओ। राम की ओर आज्ञा पाई और दौड़े भालू की दमित्र गए वहां से अब उधाई। जामवंत कहने लगे महाराज अगर पापी की यज्ञ संपूर्ण हो गई तो रामा दल का पटपरा हो जाएगा। उसी समय राम ने अंगदाद हनुमान नल्लील विभीषण से कहा कि सेना लेकर जाओ और मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दोस्तों क्या हुआ? इधर तो मेघनाथ पद्मासन लगा के बैठ गया। धर ध्यान आउती दे yeah।
विध्वंस करने लगे वो जितने भी बंदर भालू हैं। महाराज ले लियो त्रिशूल अपने हाथ, करके क्रोध के आएगा पानी वो ऐसो बन जात। सेना रामा दल की भारी है अरे मेघनाथ, लखन श्याम बैठा हुआ था मेघनाथ यज्ञ करने के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, धर के लात मार दी किसी बंदर ने। घन्नाथ कहने लगा, तुम लोगों ने हमारे यज्ञ को बिगाड़ दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी खाल खींच करके भूस भर दूंगा। बंदर और भालू व्याकुल हो गए। अरे ऐसे कैरूर पर है
ध्यान रखना दोस्तों। शेष अवतार लक्ष्मण ने बाण मारा, मेघनाथ मर के जमीन पर गिर पड़ा। जानते हो कब मरा? अरे तेरा सुफागुन सुदी वीर बलदाई, तेरा सुफागुन सुदी वीर बलदाई, मेघनाथ गौ फागुन सुदी। दोस्तों मेघनाथ मारा गया, महाराज भुजाज की गिरी भवन में जाई, कटियो धा को शीश कट के वीर को शीश, राम के चरण गिरो सुदी। ये वीर तेरस को मरा है और ये भुजा कट करके जाकर के सिलोचना के आंगन में गिरी और मेघनाथ का सर कट के भगवान के चरणों में गिरा। इधर शेष अवतार लक्ष्मण पहुंच गए राम के पास में, सेना के सहित राम के चरणों पर जब गिरे तो प्रभु ने क्या किया? अरे भर जेठ भ्रात लियो छन में, अरे भर जेठ राम ने लक्ष्मण की, और पीड़ा सब हर लई तन की, कैसी गुजरी, कैसी गुजरी बा कहानी मो समझियो, कैसी गुजरी, मेघनाथ है कैसे मरो है, मेघनाथ तुम पे कैसे मरो है, कैसे मरो है, अरे मौत तो बैठ गई है रे घर की, कैसी कैसी गुजरी कथा मोक समझियो, कैसी गुजरी, बड़े राम ने लक्ष्मण को छाती से लगा लिया और कहने लगे कहिए से सब था लक्ष्मण रड़का हाल क्या, मेघनाथ कैसे मारा गया? एकदम से लक्ष्मण प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे हे नाथ, सब तुम्हारे प्रताप से तुम्हारी महिमा से उस असुर पर हमने विजय पाई है। ठीक है, भगवान कहने लगे मेघनाथ का सर तो ये पड़ा है,
विभीषण से कहा कि भक्त इसको उठाओ और तेल मंगा करके तेल में डुबो करके इसको रख दो। दोस्तों इधर तो मेघनाथ का सर सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। भुजागिरी भैराई भमन में जाई धरण पे आई। इत सिलोचना रई सोय रे नांग की भैया जाई। सिलो चना नहीं सोई रे नांग की भैया जाई। रूप रस गुण खान भान उन मान छता छविछाई छता छविछाई। सुरपति की अख के चाद देख नारियर मुरझाई। दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय मेघनाथ की भुजा जाकर के सिलोचना के आंगन में गिरी, उस समय जैसे इसकी लड़की गहरी नींद में सो रही थी, जो आवाज सुनी है तो झपट के पलका से उठी। लेकिन हुआ क्या, आज बेगी बेंदी रपट भाल से किसकी है और आगे बढ़ करके उसने अपने प्रीतम की बाह उठा करके हाथ में ले ली। उंगलियों की तरफ इशारा किया, उन आंखों ने कहा देख ये तेरे पति की भुजा है। हस्तरेखा को देख करके आसलोचना समझ गई कि हमारे पति युद्ध में मारे गए। लेकिन दोस्तों देख बलम की भुजा सिलोचना धरण गिरी भैराई रे। दोस्तों आज अपने हृदय सम्राट की भुजा को देखकर पत्रता का हृदय कांप गया। देख बलम की भुजा दुलही धरण गिरी भैराई रे।
मन बिरता पैसिला सरगत प्रभु ने गई गिराई रे। दोस्तों रोने लगी वो पतिव्रता, कहने लगी मैंने 6-6 महीना तक व्रत रखा, न भोजन किया न भोग, सिर्फ अपनी पति की जिंदगी के लिए, लेकिन ये क्या हुआ। पहचान भुजा सैया की गैया सी टकराई रे। प्राणनाथ की भुजा रे नार ने छाती तलाई ती लगाई रे। मैं कैसी करूं, सोच रही है मैं कैसी करूं, पिया दूजे रन में मैं कैसी करूं। मेरे ससुर ने बादर फारो, मेरे ससुर ने बादर फारो, बादर फारो। दो सीता लेके सीता जी लेके रख लई घर में, मैं कैसी करूं। पति झूठे रंग में मैं कैसी करूं। बालापन में विधवा कर दिया। मेरे ससुर रावण ने जान की नहीं जान की मौत रख लिया घर में। समझिए सैर नहीं, आधार में बिल्कुल जान लई, लंका पति की अब खैर नहीं। जब पति जूझ गए रन में, लंका को मौत ने घेरा नारद। हाय कैसी करूं, पिया जूझे रन में, अरे कैसी करूं। बाली उमर छुट्टी न मेहंदी, बाली उमर मेरी, बाली उमर मेरी, बाली उमर छुट्टी न मेहंदी। भुजा को अपनी छाती से लगाकर और यही सोच रही है कि मैं अब क्या करूं, मेरे अब ओठों की लाली और हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी। मेरे ससुर ने ये जौहर किया है जो, वो जान की प्यासी जानकी को यहां रख लिया। दोस्तों सोचने लगी और भुजा से बोली, अगर तू मेरे पति की भुजा है तो मुरड़ की कहानी अरे लिख के बता, मोई रण की कहानी। भुजा से कहने लगी,
की पूजा है तो हमें सिर्फ यह बता लिख करके कि मेरे प्राणेश्वर कैसे मारे गए। पेटा मारा है ओरी भुजा, मेरा तेरा दामन चोली का साथ है, सिर्फ मुझे ये बता दे कि मेरे प्राणेश्वर युद्ध में कैसे मारे गए। दोस्तों जब ये कहा तो आज मेघनाथ की भुजा लिखने लगी और कहने लगी, लिख करके कह रही है, लिख कर बता रही है, शेषाय अवतार जो लक्ष्मण है, हे प्यारी अति बलधारी है, हमने उनके जीतन के लिए यज्ञ की करी तैयारी है। भुजा लिख के बता रही है कि रामा दल पर विजय पाने के लिए हम यज्ञ करने के लिए बैठे और पद्मासन मार के बैठ गए, धर ध्यान नैन में मूंदे हैं, तब तक बानर भालू गोरी मेरी आज में धर के भुजान लिख के बता रही, मैं पद्मासन मार के बैठ गया और जिस समय हमने अपना चित्त देवी के चरणों में लगाया तब तक रामा दल की सेना टूट पड़ी। त्रिशूल खेच करके हमने जब कर दीनी धर मारी है, मूर्छित कर दिए हैं जाम बंत और हनुमान बल धारी है। लक्ष्मण ने
हमारी है। सरकाट भुजा मेरी छाट दई ओ तेरो मर गो बलमा हजारी है। लक्ष्मण के बाणों ने मेरे बदन को छलनी कर दिया, हमारी बाह भी छाट दी, हमारा सर भी काट दिया। एकदम से सिलोचना रोके कहने लगी, महाराज सर कहां है? तो दोस्तों बाण लिखा, मेरो रामा दल में सीसरे के पास है लघु बन के, मेरी साजनिया